अब ये दिखावा किस लिए जारा? हम सब सच जान चुके हैं, ये सब करने से क्या फायदा? सच वो नहीं है जो आपने देखा और सुना है। मैं आमिर को क्यों मारना चाहूंगी आप? सच तो ये है कि आमिर की जान का दुश्मन कोई और है। उस दिन हॉस्पिटल में भी सच और झूठ का फैसला तो कब से हो चुका जारा। अपने किए पर पर्दा डालने की हर कोशिश नाकाम होगी तुम्हारी। आप मेरी बात बस जारा, बहुत कह चुकी हूँ और बहुत सुन चुकी हूँ, बस अब और नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होता जारा। मेरी जिंदगी में अंधेरा था, तुम्हें तो मैं अपना घर रोशन करने के लिए लाई थी जारा, लेकिन नहीं जानती थी कि तुम्हारा साया जब मेरे घर पे पड़ेगा तो मेरे घर का अंधेरा और बढ़ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है जारा कि तुम मेरी अपनी सगी बहन नहीं, वरना मुझे खुद अपने खून पे शर्मिंदगी होती। अल्लाह का शुक्र है जारा कि तुम मेरी अपनी सगी बहन नहीं हो, वरना मुझे खुद अपने खून पे शर्मिंदगी होती। मजबूर हो गए बेबो, और मजबूरी का आलम ये है कि हम चाहकर भी आमिर के लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा के वास्ते ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाना दोबारा, क्योंकि हम जानते हैं एक तुम ही हो जो आमिर के लिए सब कुछ कर सकती हो। बेबो, हम ऐसे नहीं जी पाएंगे। एक तरफ आमिर की ये हालत और दूसरी तरफ मेरे दामन पे लगा ये बदनामी का दाग। बेटा, इन सबसे बढ़कर एक चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र है, वक्त के आंचल में ज्यादा पलों की सौगात नहीं है। इद्दत के सिर्फ 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 7 दिन, और इन 7 दिनों में आमिर का ठीक होना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इन 7 दिनों के भीतर ही आमिर तुम्हारा तलाक वापस ले सकता है। अगर ये 7 दिन बीत गए और आमिर ठीक नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब तुम्हारा तलाक जायज हो जाएगा। और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, न मैं न तुम। यह आखिरी 7 दिन है आमिर, आपके और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। सिर्फ 7 दिनों की उम्र और है हमारे रिश्ते की। मैं जानती हूँ आमिर, जो दर्द हमारे दिल में आपके दिल में भी वही दर्द है, लेकिन हमारा दर्द हमारी आंखों से बह सकता है। आपका आपका सीने में ही दफन है। हम जानते हैं कि अल्लाह मेहरबानी करके आपको एक शब्द बोलने की ताकत भी दे
तो आपकी जुबान से सिर्फ यही निकलता कि सारा मैं अपना तलाक वापस लेता हूं, हम आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इन 7 दिनों में आप ठीक ना हुए आमिर, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ 7 दिन, ये आखिरी 7 दिन है आमिर, आपके और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। सब कुछ खत्म। 7 दिन में क्या खत्म हो गया आमिर? 7 दिनों में हमारा आमिर। बस कुल, अब आगे कुछ मत कहना। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे भाभी, लेकिन कहूंगी नहीं तो बताऊंगी कैसे? वो आपकी लाडली बहू है ना, तो ये देखिए, शैतान का नाम लिया और तौबा तौबा शैतान हाजिर। ये आपकी बहू सारा, ये 7 दिनों में सब कुछ खत्म करने की बात कर रही है, सपने देख रही है, ये पूछिए इससे। ये क्या कह रही हैं हम आमिर को खत्म करने का? हाँ, मुझे कि तुम अपनी बात से पलट जाओगी। यहीं खड़ी रहना, अभी आती हूँ मैं, आप लोग भी देखिए तमाशा। सारा, तुम इंसानों को दागा दे सकती हो, लेकिन अल्लाह ताला को कौन सी शक्ल दिखाओगी जाकर? और अगर तुम इतनी ही पाक हो तो फिर खाओ इस कुरान शरीफ की कसम, और बताओ सबको कि तुम 7 दिनों में क्या खत्म करने की बात कर रही थी। क्या तुमने ये नहीं कहा कि आमिर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? पूछिए इससे। हम मानते हैं कि हमने ऐसा कहा था, देखा अम्मी, देखा भाभी, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। हम आमिर को खत्म करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे रहने दो जारा, खुदा के लिए रहने दो। क्या सोच सकती हो और क्या नहीं सोच सकती हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी कितनी गिरी हुई सोच है ये हम सबको पता चल चुका है। अम्मी, हॉस्पिटल में जो आदमी आया था जिसने जिसने आमिर का एक्सीडेंट किया था, उसकी उंगली किसकी तरफ उठी थी? इसी की तरफ उठी थी। उठी थी कि नहीं तुम्हारी तरफ उंगली? अगर तुम इतनी ही पाक साफ हो और अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर कसम क्यों नहीं खा रही हो कुरान शरीफ की? बता क्यों नहीं रही हो सबको कि तुम 7 दिनों में क्या खत्म करने की बात कर रही थी? वो राज जो हमने आज तक छुपा के रखा, शायद आज उसके बेपर्दा होने का वक्त आ गया है। बोलो। हम ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि 7 दिन बाद आमिर की सालगिरह है। सारा बेटा, तुम बता क्यों नहीं देती कि तुमने मन्नत मांगी है 7 दिनों बाद आने वाली आमिर की सालगिरह तक अल्लाह ताला आमिर को ठीक कर दे। मैं जारा से ये पूछ रही हूँ कि ये 7 दिनों में क्या खत्म करना चाहती है, ये बात ज्यादा जरूरी है। ये रिश्ता अगले 7 दिनों में। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं है? क्यों मम्मी, क्यों भाभी? और फिर तुम्हें तो जाना ही चाहिए। अरे और कितने मौके देंगे हम इस लड़की को? लेकिन जारा एक बात कह देती हूँ,
तुमने सबके सामने वादा किया है, अपना वादा निभाना, पलटना नहीं अपनी बात से। नहीं पलटेंगे। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि अपना वादा निभाएंगे। सात दिन, सिर्फ सात दिन जारा, और फिर इंतजार खत्म इंशाल्लाह। शीरीन, अरे मेरी बच्ची, मेरे कलेजे के टुकड़े, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहीं पापा घर छोड़ के भाग तो नहीं गए? सत्यानाश, और जब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन जब मुंह खोलती है तो उल्टा ही बोलती। आज मेरी खुशी की वजह कुछ और है बेटा। बस अब तेरे सारे ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है। सारा, ये घर हमेशा हमेशा के लिए सात दिन के बाद छोड़कर चली जाएगी। सच? ओ मामा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं घर वालों के सामने इतना नाचूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ? तू नाचेगी? या मेरे खुदा, तूने क्या नमूना पैदा किया है? अरे तू अपने निकाह के दिन खुद नाचेगी? निकाह? मम्मी, ये निकाह कहाँ से बीच में आ गया? मैंने तो एक ख्वाब देखा था कल रात कि आमिर के बर्थडे वाले दिन मैं 2.5 घंटे लगातार नाचती रही। अरे फूटे तेरे ख्वाब, बेवकूफ लड़की। मैं तेरे एक रात के ख्वाब पूरे होने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तेरे जिंदगी भर के ख्वाब पूरे होने की बात कर रही हूँ। तुझे पता है, जारा ने कहा है कि अगर आमिर की सालगिरह से पहले पहले आमिर ठीक नहीं हुआ तो वो ये घर और आमिर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अपना मुंह काला कर लेगी वो। अरे मुच्ची मेरी बच्ची। बस बेटा, हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होगा कि वो कमबख्त सारा अपना कोई करिश्मा ना दिखा पाए। अरे आमिर के ठीक होने की तो बात दूर रही, मैं तो कहती हूँ वो सारा की बच्ची आमिर के पास फटकने भी नहीं चाहिए। तो फिर आप कुछ सोचिए ना मम्मा। हाँ बेटा, सोचना तो पड़ेगा ही। या अल्लाह, नहीं नहीं, ऐसे कामों में अल्लाह मियां भी साथ नहीं देते। मुझे अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चल गुल, खिला दे गुल। हमने पता किया, एक स्पेशलिस्ट है जो ये हक तुम खो चुकी हो जारा। आमिर की जिंदगी से जुड़ा हर फैसला सिर्फ मैं लूंगी। अब इनके लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ। अब्बा, मत याद दिलाओ इस रिश्ते की मुझे, शर्मिंदगी सी होती है। हर रिश्ते की बुनियाद भरोसा होता है, और वो बुनियाद ही नहीं रही तो कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता जारा? अच्छा है जो इन 7 दिनों में जाने का फैसला तुमने खुद ही ले लिया। कम से कम एक ही छत के नीचे तुम्हारे साथ रहने की घुटन तो महसूस नहीं होगी। इतनी नफरत मत कीजिए मुझसे। मोहब्बत भी तो इतनी ही की थी नजारा, क्या सिला दिया तुम? करना है कि आमिर ठीक होने से पहले सारा बिस्तर पर पड़ी हुई मिलनी चाहिए। जरा सोच,
जब ऊपर से फिसल कर नीचे यहाँ धड़ करके गिरेगी, आए, आए, कितना मजा आएगा। उसके हाथ पैर तो जरूर टूटेंगे, हड्डी पसली टूट जाएगी उसकी। फिर वो आमिर की खिदमत कैसे करेगी? ये बता, सारा कहाँ है? हाँ मॉम, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था। शाबाश, अब तू एक काम कर, उसे इंटरकॉम पर फोन कर और बोल कि आपका अर्जेंट कॉल है। अभी लो जा। अब आपका अर्जेंट फोन है नीचे वाले फोन पे। शाबाश, तू भी मेरी तरह हो गई है, टू गुड। थ्री और फोर गुड नहीं मम्मा, ज्यादा चढ़ मैं सर पर मारूंगी। चल मसल्स रप्चर है, इसलिए बिस्तर से उठना इनके लिए मुनासिब नहीं है, इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए ये जितना आराम करें इनके लिए उतना बेहतर होगा। कि मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिएगा। चलता हूं मीजान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, पता नहीं हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। देखिए ना अम्मी, एक तरफ हमारा बच्चा आमिर वो बिस्तर पकड़ कर बैठा है और दूसरी तरफ ये बेचारी जीनत अब ये जख्मी हो गई है। अब आमिर का ख्याल कौन रखेगा? नहीं पुपी, चोट इतनी गहरी नहीं है, मैं संभाल लूंगी आमिर को। अरे ऐसे कैसे जीनत, तुमने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है बेटा। और वैसे भी सीनत बेटा, हम में से कोई भी इतना खुदगर्ज नहीं है कि उम्मी कि हम अपने बेटे की खिदमत करवाने के लिए अपनी जख्मी बहू से खिदमत करवाएं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, हम सब है ना, और फिर सबसे बड़ी बात शीरीन है, ये ख्याल रख लेगी आमिर का। नहीं गुल, शोहर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीवी ही कर सकती है। जारा, ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई हक दे रहे हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए आज से आमिर का सारा काम तुम करोगे। लेकिन भाभी, शिरीन भी कोई गैर तो नहीं है? गुल, ये ठीक कह रही है। जारा, आपकी बार कोई गलती हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इज्जत के 40 दिनों तक तुम आमिर का कोई काम नहीं कर सकती। अपने अश्क को मुझसे छुपा रही हो सर? काश अल्लाह ने इंसानों को ताकत बख्शी होती कि वो अपनों का गम उनसे छुड़ा कर अपनी तकदीर में लिख ले। वैसे आज तो तुमने अपने गम बढ़ाने का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया सर। क्या जरूरत थी घर वालों से ये वादा करने की कि अगर आमिर भाईजान की तबीयत 7 दिनों में ठीक नहीं हुई तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी?
तुम्हारे 7 दिनों में क्या करिश्मा होने वाला है जारा? खुदा के करिश्मे के लिए 7 दिन नहीं समय, सिर्फ 7 पल ही काफी होते हैं। इंतजार है तो सिर्फ उस मौके का जब खुदा की नजर अपनी इस बंदी पर पड़ेगी और वो अपना जलवा दिखाएंगे। आमीन। सच्चे दिल से की हुई फरियाद कभी जाया नहीं जाती। दुआ करो समर, जारा की दुआएं कबूल हो जाए। ये भी कोई कहने की बात है बेबो? जारा के हर कदम पर मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। इद्दत का वक्त एक बीवी के हाथ बांध देता है, इंसानियत के नहीं। तुम एक इंसान पहले हो और बीवी बाद में। जाओ जारा, अपना फर्ज निभाओ, दो अपने आमिर को एक नई जिंदगी। हाँ, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं आमिर को एक नई जिंदगी दूंगी। इन 7 दिनों में मैं अपने इस रिश्ते को बचाऊंगी। इन 7 दिनों